हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रैम्बल विद एकेसी, और नए व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुगल एम्परर की, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। आज मैं आपको लेके चलता हूँ औरंगाबाद, जो कि औरंगजेब के नाम पर ही पड़ा है। पहले उसका नाम क्या था औरंगाबाद का, क्या थी उसकी हिस्ट्री, क्या है बीबी का मकबरा, चलिए आज जानते हैं कुछ हिस्ट्री की बातें। इट वॉज कमीशन इन 1660, 1660 में बनकर तैयार हो चुका था बीबी का मकबरा, जो कि औरंगजेब ने अपनी फर्स्ट बीवी दिलराज बानु बेगम के लिए बनवाया था। इसका नाम है बीबी का मकबरा। औरंगजेब का बेटा आजम, आजम शाह माँ के लिए बनाया। माँ का नाम राबिया दुरानी दिलराज बानो बेगम। ये बिल्डिंग 1651 से 1661 10 साल में बन के पूरा हुआ। दो कलावंत ने काम किया, हंसपत राय अताउल्ला। इसका खर्चा 6,68,283 रुपये 7 आना। ये ताज का नकल है, ताजमहल आगरा में शाहजहाँ बनाए, मुमताज की आदमी। वो पहला बना कि ये पहला बना? ताजमहल पहले बना। अच्छा, 1631 या 1661 तो ताजमहल का कारागिर एक ही था, तो कारागिर का हाथ काट दिया क्योंकि ऐसे ताज दोबारा ना बन सके, इसलिए ताज में इसमें काफ़ी फर्क है। ताज में बीच वाला बिल्डिंग बड़ा है, मीनार छोटा है। यहाँ बिल्डिंग छोटा है, मीनार बड़ा है। ताज षटकोण में है, इमारत चौकोण में, पूरा पश्चिम दक्षिण उत्तर सेम एक जैसे दिखता है। ताजमहल पूरा मार्बल है, यहाँ पे मकबरा मार्बल है, गुम्बद पे मार्बल है, और बीच सेंटर में शंख रेती चूना कौड़ी वाला प्लास्टर है। ऊपर जितने कलश है वो पूरा पंच धातु का है, पंच धातु का कलश। तो मकबरे का पूरा जमीन 34 एकड़ में है, 34 एकड़ जमीन है और 32 गार्डन है, 32 बगीचा। इसको कहते हैं बीबी का मकबरा, क्योंकि औरंगजेब का बेटा आजम माँ को बीबी बोलता था, डबल बी होता है ना, BIBI। इसको बीबी का मकबरा कहते हैं। और औरंगाबाद जिले का पहला नाम खड़की, दूसरा फतेहपुर, तीसरा औरंगजेब से औरंगाबाद। नाम रहा 1653 में। औरंगजेब मरे सन 1707 में अहमदनगर में। औरंगजेब की कबर अहमदाबाद में 14 रुपये और 75 पैसे बनी है औरंगजेब की कबर, क्योंकि वो कुरान लिखता था, टोपी सिलाकर उसी में अपना गुजारा करता था औरंगजेब। जी हाँ, टोपियाँ सिलाकर कुरान लिखकर उसी में अपना गुजारा करता था। मरने से पहले बोला, मैं जब भी और जहाँ भी मरूँगा उनको हमारे गुरु के पास ला के रखना, और 14 रुपये 75 पैसे खर्च करना, इसके अलावा ज़्यादा नहीं। इसको दक्षिण का मिनी ताजमहल कहते हैं, दक्षिण का मिनी ताजमहल। ताजमहल सास का है कि बहू का है? अच्छा, तो दादा ने बना दिया और ये पोते ने बना दिया। देखने पर बीबी का मकबरा चारों तरफ से एक जैसा ही नज़र आता है। आप किसी भी दिशा में जाकर चारों कोनों से अगर जाके आप देखें, ये एक सा ही नज़र आएगा, और ये हूबहू ताजमहल की तरह दिखता है दूर से, हालांकि साइज़ में उससे थोड़ा छोटा है। आशा करता हूं दोस्तों, बीबी के मकबरे के ऊपर बनाया गया ये एक छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा है, यू नो द ड्रिल, अगर आप पहली बार देख रहे हैं, नीचे दिए गए रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब हो जाइए। अगर आप ऑलरेडी फैमिली के मेंबर हैं, बने रहिए, इसी तरह आपका सपोर्ट देते रहिए। नए वीडियो लेके मैं जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। विद दैट सेट, टेक केयर।